मंदिर में होगा चले हम बाकी आधार कार्ड मंगाऊँ आधार कार्ड मंगा दूँ और फोटो भी मंगानी है आधार कार्ड संभल दरोगा दो कांस्टेबल का वीडियो रिश्वत लेते वायरल हो रहा है। पूरा मामला संभल के थाना क्षेत्र भेजोई के गांव रामपुरा का है। यहां रामपुरा निवासी एक युवक को किसी आरोप में पकड़ लिया गया था। एसआई मुरलीधर उसको पकड़कर थाना भेजोई ले आए और उनके परिजनों से दरोगा ने उनको धमकाते हुए कहा कि इसको गंभीर धाराओं में जेल भेज दूंगा। फिर दरोगा मुरलीधर ने आरोपी के परिजनों से आरोपी को थाने से छोड़ने के एवज में मोटी रकम की मांग की और कहा पैसा लेकर मेरे कमरे पर आ जाना। आरोपी के परिजनों ने 80,000 की मोटी रकम का इंतजाम किया और पैसा लेकर दरोगा मुरलीधर के कमरे पर जा पहुंचे। कमरे पर पहले से एक सिपाही उनका इंतजार कर रहा था। आरोपी के परिजनों ने 80,000 की रकम उस सिपाही को दे दी। तभी चंद मिनटों में दरोगा मुरलीधर कमरे पर आए और बाकायदे रिश्वत के पैसे का एक एक नोट थूक लगा लगा कर गिनने लगे। जब दरोगा मांगी गई रकम से संतुष्ट हो गए, उन्होंने आरोपी के परिजनों से कहा दो आधार कार्ड लेकर जल्दी आओ, जल्दी से यहीं से तुम्हारे आदमी को छोड़ दूंगा। परिजन दरोगा को रिश्वत के पैसे देकर थाने बंद अपने आरोपी परिजन को लेने पहुंचे तो थाने के मुंशी ने भी पीड़ित परिजन से रिश्वत की मांग की और थाने के मुंशी ने भी 500 रुपये ले लिए। तब थाने के मुंशी ने आरोपी को उसके परिजनों के हवाले किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। आज सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक उपनिरीक्षक व 3 कांस्टेबल्स जो थाना भेजोई में पोस्टेड हैं उनको निलंबित किया गया है। उनकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। सरकार की पॉलिसी के अनुसार जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ चलता रहेगा। इसमें कुछ पुलिसकर्मी कुछ पैसे लेते हुए दिखाए गए हैं, उसकी पूरी जाँच की जाएगी। एक किस तरह का अगर गलत कार्य है तो उस पर उनको कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।